विथ मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने अच्छे से अच्छे रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो चलिए आज हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक हमें देते रहिए और बेल आइकन दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम आलू और परवल के साथ बिरयानी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने आलू को छील के इतने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और ये परवल को भी हमने छील करके जितना छिलका निकाल सकते थे हमने हल्का हल्का चाकू से रगड़ के इसके छिलकों को निकाल दी हूँ। तो सबसे पहले अगला प्रोसेसिंग जब हम करते हैं, दही लिया है हमने, एक बाउल दही है और यहाँ पे कुछ हमने पाउडर फॉर्म में मसाले ली हूँ। मसालों को हम दही के साथ भिगो देते हैं तब आगे का प्रोसेसिंग हम करेंगे। तो ये हमने धनिया पाउडर लिया है, एक बड़े चम्मच भर के लिया है हमने, इसे डाल देती हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि हमारे बिरयानी को काफी अच्छा सा कलर देने वाला है। ये बिरयानी मसाला है, ये आप कोई भी कंपनी का आप बिरयानी मसाला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एवरेस्ट का लिया है जो कि बहुत अच्छा लगता है इसकी फ्लेवर। और ये लाल मिर्च है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा आप करके ले सकते हैं। और ये हमने गरम मसाला लिया हुआ है, इसे भी इसमें डाल देती हूँ। इन मसालों को इसके साथ हम अच्छे से मिक्स करके फूलने के लिए छोड़ दूंगी। इधर भी हमने एक कुकर गरम होने रख दी हूँ, इसमें हम बिरयानी बनाने वाले हैं। और ऑलरेडी इसमें हमने दो बड़े चम्मच ऑयल और एक बड़े चम्मच हमने घी डाल करके अच्छे से गरम कर ली हूँ। इसमें हम एक तेज पत्ता डालेंगे, दो सूखी लाल मिर्चें हैं इसको थोड़ा सा बीच से तोड़ दूंगी, दो मिर्ची, थोड़ी सी दालचीनी, एक बड़ी इलायची को इस तरह से हमने तोड़ लिया है ताकि पूरी फ्लेवर इसमें आ सके। ये स्टार फूल है जो कि मैंने आधा स्टार फूल लिया है, इसे भी डाल देती हूँ। दो हरी इलायची ली हूँ, इसे भी हमने इस तरह से तोड़ करके लिया है। ये है जीरा, जीरा को भी इसमें डाल देते हैं, थोड़ा क्रैकल करने देते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने लिया है लौंग, लौंग को समूचा नहीं डालेंगे, इसको तोड़ देंगे। अगर समूचा अगर ये ऑयल में जाता है तो लौंग फूलने के बाद अच्छा सा क्रैकल करता है, तो थोड़ा संभाल के इसीलिए मैं तोड़ देती हूँ हमेशा। इन मसालों को अच्छे से भून जाने के बाद अब हम इसमें आलू को ऐड करूंगी और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम भून करके रेडी कर लेते हैं। ये बहुत टेस्टी बिरयानी बनने वाला है, आप जरूर इसे ट्राई करें और हमें भी अपना फीडबैक दीजिए। तो आलू को हम लो टू मीडियम फ्लेम में इसी तरह से भून करके गोल्डन ब्राउन करके रेडी कर लेते हैं। ये आलू काफी अच्छा सा भून करके रेडी हो गया है, अब मैं इसे निकाल देती हूँ। बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनेगा, इसे जरूर आप ट्राई कीजिए। तो इस तरह से हमें एक्स्ट्रा ऑयल रोकते हुए सारे आलू को निकाल लूंगी, जो मसाले भी निकलते हैं उन्हें भी निकाल देना है, फिर बाद में इसे हम यूज करने वाले हैं। तो इस तरह सारे आलू को हमने निकाल लिया। अब जो इधर हमने परवल जो ली हूँ इसे डाल देती हूँ। परवल डालने से पहले फ्रेंड्स,
इसमें हम थोड़ी सी हल्दी का यूज करेंगे, जिससे कि अगर परवल में पानी होगा तो वो ऑयल के साथ क्रैकल नहीं करे ज़्यादा। तो इस तरह से ये चीज़ छोटी छोटी टिप्स है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो परवल को मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसे भी हम भून करके अच्छा सा रेडी कर लेते हैं। इसे भी हाई फ्लेम में ही भूनेंगे, लो टू मीडियम में नहीं, हाई फ्लेम में भूनेंगे, जिससे कि अच्छा सा ऊपर से ये परवल पक के रेडी हो जाए। ये परवल काफी अच्छा सा भून गया है, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। ये बहुत अच्छा बनेगा जब इस तरह से आप बनाएंगे। तो एक्स्ट्रा ऑयल रोकते हुए हम यहाँ पे परवल को निकाल लेते हैं इस तरह से। काफी अच्छा सा परवल बन करके रेडी हो गया है। अब इसी ऑयल में कुछ यहाँ पे हमने हरी मिर्ची ली हूँ, जो कि इस तरह से बीच से हमने कट कर ली हूँ। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी करके आप ले सकते हैं। तो इन हरी मिर्चों को तेल में डाल दूंगी। और ये हमने प्याज लिया है, जिसे कि छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक बड़े प्याज को इस तरह से चॉप कर लिया हमने। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भून करके रेडी करना है। ये प्याज अच्छा सा देख सकते हैं भून करके रेडी हो गया है। और हमने जो आलू के साथ मसाले निकाल दिए थे, खड़े मसाले, उन्हें हम वापस से इसमें डाल दी हूँ। और ये है हमारा अदरक, लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कली और 8 से 10 काली मिर्च, इन सबको लेकर के मैंने इसे पीस करके रेडी कर लिया है। और इसी स्टेज पे थोड़ा सा इसे मैं मिला दूंगी, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। यहाँ पे हमने हल्दी लिया है, इसे डाल दूंगी, जो कि अच्छा सा कलर भी देगा, बहुत बढ़िया सा बिरयानी को। और ये जो हमने दही के साथ मिलाकर सारे मसाले को रखी थी, इसे भी डाल देती हूँ। और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें ऑयल छोड़ने तक भून करके रेडी कर लेना है, जो कि बहुत अच्छा सा आपको दिख जाएगा कि मसाले ऑयल छोड़ने लगे। तो इसे चलाते हुए हम भून लेते हैं। ये मसाले देख सकते हैं कि ऑयल छोड़ने लगा है, ये बहुत ही अच्छे से मसाला भून गए हैं। अब हम इसे स्टेज पे, एक बड़े टमाटर ली हूँ, इसे हमने रफली इस तरह से चॉप कर लिया है। और इसे सॉफ्ट करने के लिए मैं नमक का यूज करूँगी। आपको जितना बिरयानी में सब्जी डाला है उस हिसाब से आप नमक अभी ही डाल दीजिए, इसके अनुसार आपके टमाटर भी ये गल जाएंगे और सब्जियों में भी अच्छे से मसाले भी और नमक भी मिल जाएंगे। तो 2 मिनट इसे हम भून करके रेडी कर लेते हैं, जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो ये टमाटर अच्छा सा भून चुका है। अब इस स्टेज पे हमने ये कसूरी मेथी ली हूँ, इसे डाल देती हूँ। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, इसे हमें मिक्स करना है। और ये जो हमने सब्जियों को इस तरह से भून करके रखी हूँ, उसे भी हम इसमें सारे सब्जियों को डाल के और अच्छे से मसाले कोट होने तक भून करके रेडी कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी सब्जियां ना पक करके तैयार है, इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है। तो इस तरह से मिक्स करना है सब्जियों को, हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा, जिससे कि ये सब्जियां टूटे नहीं। तो देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा ये हो गया है रेडी। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक बात बताना भूल गई थी, जब भी आप बिरयानी बनाने जाइए, चावल को इस तरह से 80% कुक कर लीजिए। हमने यहाँ पे पहले ही चावल को इस तरह से पका कर के रेडी कर ली हूँ, जो कि 80% कुक है। आप जब चावल निकालोगे पानी से बाहर, तो इस तरह से जब पुश करोगे
तो इसमें दो से तीन दाने आपको दिखेंगे। तो इसमें हमने कुछ खड़े मसाले भी डाल करके बॉईल कर ली चावल को। दूसरा, इस तरह से हमने प्याज को अच्छे से डीप फ्राई करके कैरमलाइज करके इसको मैंने रेडी करके रखा है, ताकि बिरयानी बनाने में हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। और इधर कुछ पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते, इनको भी हमने साफ करके धो करके काट लिया है, काट करके रेडी कर ली हूँ। और इधर हमारे सारे सब्जियों में अच्छे से देख सकते हैं कि ये कोट हो चुका है। अब इसमें से हम कुछ सब्जियों को बाहर निकालूंगी। जिससे कि काफी अच्छा सा मुझे लेयर बनानी है, तो थोड़ा सब्जी को हम बाहर निकालेंगे। इस तरह से हमने सब्जियों को निकाल लिया है बाहर। इस तरह से हम फैला देंगे। आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने इसमें पानी का यूज नहीं किया हुआ है। तो इस तरह फैलाने के बाद ये जो मैं चावल बनाकर रेडी की हुई हूँ, इनके मसालों को मैं नहीं निकालूंगी, इसी के साथ मैं डाल देती हूँ इस चावल को। पूरे में इस तरह से फैलाते हुए हमें चावल को डाल देना है। यकीन मानिए फ्रेंड, जब इस तरह से आप बनाओगे बिरयानी तो बहुत अच्छी और काफी टेस्टी बनेगी। अब हम ये जो सब्जी ली हूं, इन सब्जियों को भी एक प्लेट फिर से इस तरह से मैं फैला देती हूं पूरी सब्जियों को। सारे मसाले और सब्जी पूरे अच्छे से डालकर इस तरह से हमें फैला देना है, जिससे कि पूरे में अच्छा सा चावल पे इसकी फ्लेवर आ जाए मसालों की। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम जो ये धनिया, इसे भी स्प्रिंकल कर देते हैं। पुदीना थोड़ा थोड़ा डालूंगी, बाकी का फिर आगे। फिर ये जो चावल हमने लिया है, इस चावल को फिर से एक लेयर इसे एक लेयर इस तरह से फैला दूंगी। बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनने वाली है फ्रेंड। बनाने में तो टाइम बहुत लग रही है, लेकिन बहुत ही अच्छी बिरयानी बनकर रेडी होगी। ये फैलाने के बाद फिर से हम इस पे पुदीने के पत्ते को फैलाऊंगी अच्छे से, धनिया के पत्ते को। और ये जो हमने प्याज जो लिया है, इसको इस पे हम स्प्रिंकल कर देंगे पूरे में। आप चाहे तो इसे पहले भी, आप जो सेकेंड लेयर जो लगा रहे थे उस समय आप प्याज को डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर से डाला है। और ये जो थोड़ा सा है पुदीने धनिये के पत्ते, इन सबको डाल देती हूँ। करने के बाद फ्रेंड, इधर जो मसाले मेरे प्लेट में है, इसे क्यों वेस्ट करने जाऊं, तो इन सब को इस तरह से मिक्स करते हुए जो पानी है इसे मैं इस तरह से हल्का सा चारों तरफ से ऐसे डाल करके फैला देती हूँ। और इसके लीड को बंद करना है हमें। ये हमें ध्यान रखना है फ्रेंड कि हाई फ्लेम में ये सारा प्रोसेसिंग नहीं करे, लो टू मीडियम फ्लेम में ही ये सारा प्रोसेसिंग करना है हमें।
और लीड को लगाकर कम से कम 10 मिनट्स के लिए एकदम ही लो फ्लेम पे इस तरह से आप छोड़ दीजिए। जब 10 मिनट्स हो जाएंगे तो गैस को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर आपसे मिलते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है, थोड़ा ठंडा हो गया है, मैंने इसे बंद कर दिया था 10 से 15 मिनट के बाद गैस को और ये अच्छा सा ठंडा हो गया है। इसकी लीड को मैं हटाती हूँ। वाओ, बहुत ही अच्छा और काफी टेस्टी बिरयानी बन करके रेडी हो गया। देखने में कितना यमी लग रहा है ना ये। इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिए और हमें भी अपना फीडबैक दीजिए। आपको सर्व करके दिखाऊंगी ये बिरयानी, बहुत ही टेस्टी और काफी यमी सा बन करके रेडी हो गया फ्रेंड। इस तरह से जब आप बनाएंगे बिरयानी आपकी तारीफ बहुत बहुत होने वाली है जब इस तरह से आप रेडी करोगे। देखने में भी यमी लग रहा है ना ये काफी। तो इस तरह से आप ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको हमारे तरीके से बिरयानी बना करके आपको कैसा लगता है। देखिए बहुत ही टेस्टी और काफी यमी बिरयानी बनकर के रेडी हो गई है। इसे आप ट्राई कीजिए और बताइए। बहुत ही अच्छी और टेस्टी बिरयानी। सही में इस तरह से जब आप बनाओगे इसकी खुशबू फ्रेंड इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही टेस्टी और यमी सा बिरयानी बन करके रेडी हुआ है। तो हमें भी अपना फीडबैक और कमेंट दीजिए कि आपको ये बिरयानी बना करके कैसा लगा। तो इस तरह से हमने कुछ परवल को निकाल करके, फ्राइड परवल को निकाल कर रख ली थी थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। जब आप इस तरह से बनाएंगे बहुत ही अच्छी और टेस्टी बिरयानी बनकर रेडी होगी। तो ये हमारा बिरयानी बनकर के रेडी हो गया। इसके साथ हमने सर्व किया है सलाद को, ये रायता को जो कि बहुत ही अच्छी और टेस्टी रायता भी है हमारी। हर बार मैं अलग अलग तरह के रायते को बनाती हूँ और उसके साथ सर्व करती हूँ। तो ये देखिए हमने पापड़ को भी अच्छे से रोल करके फ्राई कर लिया, रायता भी रेडी कर दिए, आपका ये सलाद भी रेडी हो गया और ये हमारा बिरयानी भी बन करके रेडी हो गया। तो बहुत ही टेस्टी और काफ़ी अच्छी बिरयानी बनी है। बिल्कुल आपको होटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरह से आप बना रहे हो तो, बहुत ही यमी और टेस्टी बनेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।